राइट। अब देखो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जब आप एविडेंस एक्ट के चैप्टर 7 जो बेसिकली बर्डन ऑफ प्रूफ से जुड़े प्रोविजंस को होल्ड करता है और इसके जो सेक्शंस हैं वो 101 से लेकर के 114A तक हैं, इसी पर्टिकुलर चैप्टर और इन्हीं सेक्शंस के बीच जब आप सेक्शन 112 को देखोगे तो सेक्शन 112 क्या कहता है। सेक्शन 112 ये कहता है बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेशन, बर्थ डिनाई नहीं कर सकता। इस्टॉपल का जो सिद्धांत है वो बेसिकली एक पर्सन को स्टॉप करता है, रोकता है फ्रॉम गिविंग फॉल्स एविडेंसेस। फ्रॉम गिविंग दोज स्टेटमेंट्स विच आर कॉन्ट्राडिक्टरी इन नेचर, यानी आपने पहले कुछ और कहा अब आप कुछ और कह रहे हो। तो इस्टॉपल का जो सिद्धांत है वो एक पर्सन को प्रोहिबिट करता है फ्रॉम गोइंग बैक ऑन हिज ओन वर्ड्स, कि आपको अपने स्टेटमेंट्स को चेंज नहीं करना है। राइट जैसे मान लो एविडेंस लॉ लेक्चर के इस वीडियो सीरीज में आज हम सेक्शन 31 ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस से डील करेंगे जो एडमिशन से जुड़ा लास्ट सेक्शन है। अपने प्रीवियस क्लासेस में हमने एडमिशन के कंसेप्ट को डिटेल में समझा, हमने सेक्शन 17 से लेकर के सेक्शन 23 को अच्छे से कवर किया नोट्स इलस्ट्रेशंस और केस लॉज के थ्रू। आज हम एडमिशन से जुड़ा लास्ट सेक्शन विच इज सेक्शन 31 इसे समझेंगे। राइट चलिए सबसे पहले देखो इस पर्टिकुलर सेक्शन से किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कैन एन एडमिशन बी ट्रीटेड एज अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एन एडमिटेड मैटर, क्या जिन भी मैटर्स को आप एडमिट कर रहे हो एडमिशन के तौर पे, वो एडमिशन उन एडमिटेड मैटर्स का कंक्लूसिव प्रूफ माना जाएगा। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन से जो क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है एग्जाम में वो कुछ इस तरह से हो सकता है कैन एन एडमिशन बी ट्रीटेड कैन एन एडमिशन बी ट्रीटेड एज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ मैटर एडमिटेड। राइट देखो हमने एडमिशन से जुड़े जो भी सेक्शंस हैं सेक्शन 17 से लेकर के सेक्शन 23 इन सभी सेक्शंस को कवर किया है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। और अगर आप इन वीडियोस को देखते हो तो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस इन्हीं वीडियोस से फ्रेम होंगे। राइट अगर आप वीडियो में नए हो तो सबसे पहले इन सेक्शंस को देख लो फिर आप इस वीडियो को देखना। राइट तो सेक्शन 31 से कैसा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कैन एन एडमिशन बी ट्रीटेड एज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ मैटर्स एडमिटेड। देखो अगर ये क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे सेक्शन 31 ऑफ एविडेंस एक्ट रेलेवेंट हो जाता है। सेक्शन 31 क्लियरली ये कहता है कि एडमिशंस आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ मैटर एडमिटेड। एडमिशंस कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होते हैं
of matter admitted but may operate as estoppel. लेकिन ये estoppel की तरह operate करते हैं under section 115 to 117. Section 31 states that admissions are not conclusive proof of matters admitted but they may operate as estoppels under section 115 to 117 यानी हमारे एविडेंस एक्ट के सेक्शन 115 से लेकर के सेक्शन 117 में जो प्रोविजंस है वो डील करते हैं इस्टॉपल से. देखो इस पर्टिकुलर सेक्शन को समझने से पहले हमें दो वर्ड्स के मीनिंग को समझना होगा, एक कंक्लूसिव प्रूफ, दूसरा इस्टॉपल. एडमिशन क्या है उसे हमने डिटेल में समझ लिया है. हमने ये जाना है कि एडमिशन को डिफाइन किया गया है हमारे एविडेंस एक्ट के सेक्शन 17 में, राइट? ओके, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब क्या है, फिर हम इस्टॉपल के बारे में बात करेंगे. क्योंकि अगर आप इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग से फैमिलियर हो जाते हो तो ये पर्टिकुलर सेक्शन आपको इजी लगेगा. इस पर्टिकुलर सेक्शन का जो कंटेंट है वो आपको समझ में आ जाएगा. चलिए देखो कंक्लूसिव प्रूफ, एविडेंस एक्ट के जब हमने सेक्शन 4 को देखा था, एक सेपरेट वीडियो में हमने सेक्शन 4 को डिटेल में कवर किया. हमने ये जाना कि एविडेंस एक्ट का सेक्शन 4 बेसिकली प्रिजम्पशंस के बारे में बात करता है, और ये जो प्रिजम्पशंस होंगे वो दो तरह के हो सकते हैं, एक प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट और दूसरा प्रिजम्पशन ऑफ लॉ. सेक्शन 4 बेसिकली दो तरह के प्रिजम्पशंस के बारे में बात करता है, एक मे प्रिज्यूम और दूसरा शैल प्रिज्यूम. सेक्शन 4 तीन वर्ड्स के मीनिंग को डिस्क्लोज करता है. मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ. अगर आपको सेक्शन 4 समझना है, सेक्शन 4 के ऊपर आपको डाउट है, तो उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप देख लेना, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, राइट? तो सेक्शन 4 बेसिकली तीन वर्ड्स के मीनिंग को इंक्लूड करता है, एक मे प्रिज्यूम, दूसरा शैल प्रिज्यूम और तीसरा कंक्लूसिव प्रूफ, राइट? देखो कंक्लूसिव प्रूफ को हिंदी में हम निश्चायक सबूत कहते हैं. निश्चायक सबूत का मतलब है एक ऐसा सबूत जो अपने आप में निश्चित हो, राइट? कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब है एक ऐसा प्रिजम्पशन कोर्ट का, क्योंकि प्रिजम्पशंस कौन करेगा, कोर्ट करेगा, एक ऐसा प्रिजम्पशंस जिसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं, विच कैनॉट बी चेंज्ड बाय एनी एडिशनल एविडेंस, किसी एडिशनल एविडेंस या किसी एडिशनल आर्गुमेंट के बेसिस पे हम उस प्रिजम्पशन को चेंज नहीं कर सकते हैं, वो कहलाता है कंक्लूसिव प्रूफ. यानी कंक्लूसिव प्रूफ अपने आप में एग्जॉस्टिव इन नेचर होता है, अपने आप में कंप्लीट होता है,
तो एक ऐसा एविडेंस, एक ऐसा प्रिजम्पशन जो अपने आप में कंप्लीट है, जिसे हम अल्टर या जिसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं फर्दर एविडेंसेस से, फर्दर आर्गुमेंट से, वो कहलाता है कंक्लूसिव प्रूफ। लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे मान लो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन Certificate of incorporation of a company. एक कंपनी जो रजिस्टर्ड हुई थी और रजिस्ट्रार ऑफिस से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन उसे मिला था, तो ये जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है ये अपने आप में कंक्लूसिव प्रूफ है कि जो कंपनी है वो एक रजिस्टर्ड कंपनी है। और ये जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है अपने आप में कंप्लीट है। अब हमें कंपनी के रजिस्ट्रेशन को प्रूफ करने के लिए फर्दर किसी एविडेंसेस को प्रूफ करने की या फर्दर किसी एविडेंसेस को प्रोड्यूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर हमारे पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है तो। यानी दिस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज कंक्लूसिव प्रूफ दैट Company has been registered under Companies Act 2013, right? चलिए एक और example लेते हैं। जब आप अपने Evidence Act के Chapter 7 को देखोगे, Chapter 7 basically burden of proof से जुड़े provisions को hold करता है, और इसके जो सेक्शंस हैं वो स्टार्ट होते हैं सेक्शन 101 से लेकर के 114 ए तक। तो ये था आपका पहला एग्जांपल। ये सब आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, ये मैं केवल इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप इस पर्टिकुलर सेक्शन को अच्छे से समझ सको, आपके मन में कोई डाउट्स ना रहे, राइट? अब देखो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जब आप एविडेंस एक्ट के चैप्टर 7 जो बेसिकली बर्डन ऑफ प्रूफ से जुड़े प्रोविजंस को होल्ड करता है और इसके जो सेक्शंस हैं वो 101 से लेकर के 114 ए तक हैं, इसी पर्टिकुलर चैप्टर और इन्हीं सेक्शंस के बीच जब आप सेक्शन 112 को देखोगे तो सेक्शन 112 क्या कहता है? सेक्शन 112 ये कहता है बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेशन, बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेशन। बर्थ ड्यूरिंग मैरिज यानी बर्थ ऑफ अ चाइल्ड ड्यूरिंग मैरिज इज इटसेल्फ क्या है? कंक्लूसिव प्रूफ है लेजिटिमेसी का। अच्छा, इस पर्टिकुलर सेक्शन के जब हम प्रोविजंस को समझेंगे तो ये क्या कहता है? देखो, विवाहित स्थिति के दौरान में जन्म होना धर्मज्ञ का निश्चायक सबूत है। एनी पर्सन वॉज बॉर्न ड्यूरिंग कंटिन्यूएंसी ऑफ अ वैलिड मैरिज। अगर किसी पर्सन का बर्थ होता है, किसी पर्सन का जन्म होता है ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंसी ऑफ मैरिज बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, तो वो जो चाइल्ड होगा वो उसी हस्बैंड का माना जाएगा। तो बर्थ ड्यूरिंग कंटिन्यूएंसी ऑफ मैरिज इज कंक्लूसिव प्रूफ कि वो जो चाइल्ड है वो उसी पर्सन का है
राइट। दूसरा कहता है और बर्थ ऑफ अ चाइल्ड विद इन 280 डेज आफ्टर इट्स डिसोल्यूशन। मान लो उन हस्बैंड और वाइफ के बीच जो मैरिज था वो डिसॉल्व हो चुका, वो शून्य हो गया। जिस डेट पर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हुआ उस डेट से लेकर के विद इन 280 डेज अगर किसी चाइल्ड का जन्म होता है उस वुमेन से, तो वो चाइल्ड उसी हस्बैंड का माना जाएगा जिससे वो सेपरेट हुई थी। तो यानी बर्थ ड्यूरिंग मैरिज एंड बर्थ ऑफ अ चाइल्ड आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज विद इन 280 डेज इज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी। वो जो बच्चा है वो उन्हीं दोनों कपल्स का है, किसी अदर पर्सन का नहीं है। ये अपने आप में क्या है, कंक्लूसिव प्रूफ है लेजिटिमेसी का कि जो बच्चा है वो क्या है, जायज़ है और उन्हीं हस्बैंड वाइफ का है, उसी हस्बैंड का है, राइट। तो ये सेक्शन 112 जो कि कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी के बारे में बात करता है। यानी अब यहां समझो कि ड्यूरिंग कंटिन्यूएंसी ऑफ वैलिड मैरिज अगर वुमेन को चाइल्ड होता है तो उसे फर्दर एविडेंसेस नहीं शो करने होंगे कि ये जो चाइल्ड है वो उसी के हस्बैंड का है। दूसरा, अगर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हुआ तो जिस दिन डिसोल्यूशन हुआ उस दिन से विद इन 280 डेज अगर उस वुमेन को कोई बच्चा होता है तो वो उसी हस्बैंड का माना जाएगा जिससे वो सेपरेट हुई है, तो इसके लिए भी उसे कोई एविडेंसेस नहीं शो करने होंगे। क्यों? क्योंकि इट इज़ कंक्लूसिव प्रूफ, ये अपने आप में कंप्लीट है, राइट। तो एडमिशंस आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ, एडमिशंस जो होते हैं वो अपने आप में कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होते हैं। यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं। What is admission defined in section 17? Right? तो कहता है admissions are not conclusive proof. Admissions जो हैं वो conclusive proof नहीं होते हैं. But may operate as estoppel. लेकिन ये estoppel की तरह operate करते हैं. Under section 115 to 117. अब ये estoppel क्या है? आइए समझते हैं. अब देखो इस्टॉपल के कंसेप्ट को हम समझते हैं। इस्टॉपल अंडर सेक्शन 115 टू 117, जब हम सेक्शन 115 से लेकर के 117 को समझेंगे तो वहां हम इस्टॉपल को डिटेल में समझेंगे, इस्टॉपल के कंप्लीट कंसेप्ट को समझेंगे। यहां हम इस्टॉपल के जनरल मीनिंग को समझ रहे हैं। For the sake of your understanding, right? देखो estoppel जो word है अपने आप में stop word को include करता है, right? Estoppel means to stop someone, to prohibit someone, to restrict someone, यानी stopper means किसी person को रोकना, किसी person को restrict करना, prohibit करना, stopper कहलाता है, right? When someone admit about existence or non-existence of a particular fact, अगर किसी particular person ने किसी fact के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को एडमिट किया था, किसी पर्सन ने किसी फैक्ट के एग्जिस्टेंस
या नॉन एग्जिस्टेंस को एडमिट किया था बिफोर द कोर्ट। किसी पर्सन ने किसी फैक्ट या किसी मैटर के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को एडमिट किया था बिफोर द कोर्ट, तो अब वो उन फैक्ट्स के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को डिनाई नहीं कर सकता। इस्टॉपल का जो सिद्धांत है वो बेसिकली एक पर्सन को स्टॉप करता है, रोकता है फ्रॉम गिविंग फॉल्स एविडेंसेस। From giving those statements which are contradictory in nature, यानी आपने पहले कुछ और कहा अब आप कुछ और कह रहे हो, तो इस्टॉपल का जो सिद्धांत है वो एक पर्सन को प्रोहिबिट करता है from going back on his own words, कि आपको अपने statements को change नहीं करना है, right? जैसे मान लो, तो इस्टॉपल बेसिकली यही कहता है अगर एक पर्सन ने किसी फैक्ट को एडमिट किया था तो लेटर ऑन वो उस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकता है। जैसे एक एग्जांपल, ए एक पर्सन है एंड बी इज अनदर पर्सन। ए इंटेंशनली जानबूझकर एंड फॉल्सली बी को ये विश्वास दिलाता है कि ये जो सर्टेन पीस ऑफ लैंड है ये मुझे बिलोंग करता है, ये लैंड मेरा है, इसका पोजीशन मेरे पास है, और बी को एनकरेज करता है कि तुम इसे परचेज कर लो क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, तो मैं तुम्हें कम प्राइस में इस लैंड को सेल कर दूंगा। अब भी क्या करता है, इसकी बातों में आ जाता है और इस लैंड को परचेज कर लेता है। बी परचेज दिस लैंड। अब ए लेटर ऑन ये डिनाई नहीं कर सकता है कि ये जो पर्टिकुलर लैंड था वो उसका नहीं था, जिस लैंड को जिस जमीन को बी ने परचेज किया है वो जमीन उसका नहीं था। क्यों? क्योंकि इसने पहले ही ये फैक्ट एडमिट कर दिया है कि ये जो लैंड है इट बिलोंग्स टू मी, तो ये कहलाता है डॉक्ट्रिन ऑफ इस्टॉपल। आपने किसी फैक्ट को एडमिट किया था किसी समय पर, अब आप उस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते हो, दिस इज नोन एज इस्टॉपल। तो सेक्शन 31 क्या कहता है, एडमिशंस आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ। एडमिशन्स जो हैं वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है ऑफ मैटर एडमिटेड बिफोर द कोर्ट, बट दे मे ऑपरेट एज इस्टॉपल। लेकिन ये इस्टॉपल की तरह एक्ट करते हैं, यानी अगर एक पर्सन ने किसी फैक्ट को एडमिट किया था एडमिशन के तौर पे बिफोर द कोर्ट, तो वो उस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकता है लेटर ऑन किसी फर्दर शूट या किसी फर्दर प्रोसीडिंग्स में, राइट? यानी उस पर्टिकुलर पर्सन का एडमिशन फर्दर सूट्स में रेलेवेंट माना जाएगा, राइट? और वो उन फैक्ट्स के एडमिशन को डिनाई नहीं कर सकता है, यही कहता है आपका सेक्शन 31। लेकिन देखो, कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जहां एक पर्सन जिसने किसी फैक्ट के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को एडमिट किया था एडमिशन के तौर पे बिफोर द कोर्ट, लेटर ऑन वो उन एडमिशंस को डिनाई कर सकता है, चेंज कर सकता है। कुछ सिचुएशंस हैं, जैसे अगर वो ये प्रूफ कर दे कि उसने जिन भी स्टेटमेंट्स को दिया था बिफोर द कोर्ट एडमिशन के फॉर्म में वो उसने बाय मिस्टेक दिया था,
वो उसने इंड्यूसमेंट के तहत दिया था, वो उसने थ्रेट में आ करके दिया था, या किसी के प्रॉमिस करने पे दिया था कि तुम इस फैक्ट के एग्जिस्टेंस को एडमिट कर दो, मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुम्हारे लिए ये चीज कर दूंगा। तो अगर एक पर्सन ये प्रूफ कर देता है कि उसने बाय मिस्टेक, बाय इंड्यूसमेंट, बाय थ्रेट और बाय प्रॉमिस इन फैक्ट्स को एडमिट किया था बिफोर द कोर्ट, तो लेटर ऑन वो उसे चेंज कर सकता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं सेक्शन 31 को। राइट, सेक्शन 31 आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए इसके बेयर प्रोविजन को हम देख लेते हैं। सेक्शन 31 एडमिशंस आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ of matters admitted, but may operate as estoppel under section 115 to 117. But person admitting person admitted a fact before the court person admitted a fact before the court can change it later on can change it later If he or she proves that, यदि वो प्रूफ कर देता है, if he or she proves that facts admitted under what? Mistake, inducement, threat, promise. Mistake, inducement, threat, promise. अब एक हमारे पास केस है, एक्चुअली दो केस है जिसमें सेम बात को कहा गया था, बसंत सिंह वर्सेस जानकी सिंह एंड नारायण वर्सेस गोपाल। ये दो केसेस हैं जिसमें सेम बात कहा गया। बसंत सिंह वर्सेस जानकी सिंह एंड नारायण वर्सेस गोपाल, देखो इस केस में यह कहा गया कि एडमिशन ऑफ अ फैक्ट बाय अ पार्टी, एक पार्टी के द्वारा इन अ प्लेंट, एक वाद में एक पार्टी के द्वारा किसी फैक्ट को एडमिट करना, यानी एक वाद में एक पक्ष किसी फैक्ट को एडमिट करता है, तो उसका जो एडमिशन है उसे हम यूज करेंगे अगेंस्ट हिम इन अदर सूट्स में, अदर प्रोसीडिंग्स में। लेकिन इट कैनॉट बी रिगार्डेड एज कंक्लूसिव प्रूफ
उन एडमिशन्स को हम कंक्लूसिव प्रूफ नहीं मानेंगे एंड पार्टी कैन शो इट टू बी रॉन्ग। और जिस पार्टी ने उन फैक्ट्स को एडमिट किया था वो उन्हें रॉन्ग शो कर सकती है। इन सर्कमस्टांसिस में अगर वो प्रूफ कर देती है कि जिन भी फैक्ट्स को उसने एडमिट किया था उस पर्टिकुलर शूट में वो बाय मिस्टेक, बाय इंड्यूसमेंट, बाय थ्रेट या बाय प्रॉमिस था, तो उन एडमिटेड फैक्ट्स को वो चेंज कर सकती है। राइट, लिख लो, एडमिशन बाय अ पार्टी, एडमिशन बाय अ पार्टी इन अ प्लेंट may be used against him in other shoots। अब यहां पे आपके माइंड में सेक्शन 21 क्लिक करना चाहिए, ठीक है। क्या कहता है सेक्शन 21 कि एडमिशंस आर रेलेवेंट एंड मे बी प्रूव्ड अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स देम और रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट। राइट, इन अदर शूट्स और फर्दर प्रोसीडिंग्स, और फर्दर प्रोसीडिंग्स बट इट कैनॉट बी But it cannot be regarded as, but it cannot be regarded as conclusive proof party can show it to be wrong, party can show it to be wrong। क्यों? क्योंकि एडमिशंस कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होते। ये था सेक्शन 31 और इस तरह एडमिशन से जुड़े जितने भी सेक्शंस हैं उन्हें मैंने अपने पूरे एफर्ट्स, अपने पूरे अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आपको समझाने की पूरी कोशिश करी। अगर ये वीडियोस आपको समझ में आते हैं, मेरे वीडियोस किसी भी मैनर में आपको हेल्पफुल लगते हैं, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमारा चैनल 1000 सब्सक्राइबर्स को जल्दी हिट कर जाए। तो अब हम कन्फेशन से डील करेंगे। राइट, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।